23 अक्टूबर 1957 लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी ना रखने वाला ये लड़का बचपन से ही सपना देखने लगता है बिजनेसमैन बनने का, और ये बाकी लोगों की तरह सिर्फ सोचता नहीं है, मात्र 18 साल की उम्र में ये बिजनेस में अपना पहला कदम रख देता है और 20,000 रुपए उधार लेकर साइकिल के पार्ट्स बनाने लगता है। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद उसे एहसास होता है कि इस बिजनेस में टाइम देकर वो ज्यादा सफल नहीं हो सकता। वो उस बिजनेस को बंद करके मुंबई चला जाता है और जापान से इम्पोर्ट किए गए जनरेटर्स को बेचने का काम शुरू करता है, और उसका ये बिजनेस उसे अच्छा प्रॉफिट देने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इसके साथ भी यही होता है। भारत सरकार जनरेटर के आयात पर रोक लगा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 1984 में ताइवान कंपनी किंगटेल के टेलीफोन इम्पोर्ट करके बेचने का काम शुरू कर देता है, और फिर आता है साल 1992 जो इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उसे मोबाइल फोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद वो सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि आज उस बंदे की नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, उस इंसान का नाम है सुनील भारती मित्तल। एक लड़का अनाथ आश्रम